सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। देखिए एक खास रिपोर्ट। बेनीपट्टी के पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश शाह उर्फ बुद्धिनाथ के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर विगत 3 दिनों से अनशन पर रहे अविनाश के पिता की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। मेडिकल टीम ने अविनाश के पिता दयानंद झा को तत्काल मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। पीएससी के चिकित्सक डॉक्टर प्रताप नारायण झा ने दयानंद को मधुबनी रेफर कर दिया है। डॉक्टर झा ने बताया कि दयानंद झा घटना के बाद से लगातार 16 दिनों तक अन्न त्याग दिए थे, जिसके कारण पूर्व से ही कमजोर थे। ऐसी स्थिति में पुनः अनशन करने से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। कल उन्हें पानी चढ़ाया गया, आज उनके शरीर में नस नहीं मिल रहा है। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर किया गया है। पिता दयानंद झा को जब एम्बुलेंस में लादकर इलाज के लिए मधुबनी ले जाया जा रहा था, उस वक्त भी उनके आंखों से आंसू बेतहाशा प्रवाहित हो रहा था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साथ ही उनके मुँह से किसी तरह एक ही आवाज़ निकल रहा था, हमने कुछ नहीं मांगा है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं अन्य अनशनकारी त्रिलोक झा, रणधीर झा, आनंद ठाकुर उर्फ लाला जी की तबीयत अनशन के 3रे दिन बिगड़नी शुरू हो चुकी है। बता दें कि दयानंद झा के छोटे पुत्र अविनाश का अपहरण पिछले महीने के 9 नवंबर को कर उसकी हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी। अविनाश का शव 12 नवंबर को उरेन चौर में राजकीय पथ 52 के किनारे मिला था। पुलिस इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन अब तक किसने अविनाश की हत्या की और क्यों की, इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा परिजनों को नहीं दी गई है। अविनाश के परिजन 10 मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए राजीव कुमार झा की ये रिपोर्ट। सर, आप अनशनकारियों के अभी की स्वास्थ्य अपडेट क्या है? अभी पिताजी जो दयाकांत झा जी हैं, वो 3 दिन से फास्टिंग में चल रहे हैं, अनशन पे हैं। उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट है। कल उनको पानी भी चढ़ाए थे, आज पानी का नस करीब 8-10 जगह खोजे हैं, मिल नहीं रहा है और पानी चढ़ नहीं रहा, नस थोड़ा सिकुड़ गया है। इसके लिए उनको मधुबनी हम रेफर कर रहे हैं, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और बाकी जो 3 अनशनकारी हैं, उन लोगों का भी यूपी में काफ़ी गिरावट आए हैं। तभी दयानंद झा को आप मधुबनी रेफर किया जा रहा है जी, उनको अच्छा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जी। धन्यवाद। रेफर कर दला है डॉक्टर साहब? कल तो जाओ मधुबनी, हम तो कहलिए की करूँ जाओ। की अखन अहाँ सब की अखनो की डिमांड अहाँ के? कम से कम न्यायो भेटत, काहे कतो मांगे छी सरकार, न्यायो नहि भेटत। आप ये देख रहे हैं, ये आंसू अविनाश के पिता दयानंद झा का है। सर एक मिनट, कोई बात है? क्यों गई? इससे लगातार फास्टिंग में चल रहे हैं, उनका ब्लड शुगर भी थोड़ा कम हो रहा है, वीकनेस ज़्यादा है, पेशाब में भी कमी आ रही है, छाती में दर्द भी हो रहा है, इसलिए हम सोचे कि बेहतर इलाज के लिए इनको भेज दिया जाए, मधुबनी रेफर किया गया है। अभी अन्य जो 3 अनशनकारी हैं, उनकी क्या स्वास्थ्य अपडेट है? यही है कि लोग का भी कमजोरी तो है, हमारे बीपी फॉल थोड़ा किया है, उतना ज़्यादा नहीं, इसलिए अभी तक छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।